अब हम एक कॉन्फिडेंस बिल्डर प्रोग्राम पॉइंटर्स के द्वारा करा के आपको आउटपुट प्रेडिक्ट कराने का सिखाएंगे। तो इस ये प्रोग्राम करने के बाद आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना लगभग गारंटीड है। तो समझ लीजिए एक वेरिएबल एज है जिसके अंदर 18 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल एज को ऐसे ड्रॉ करके एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैल्यू 18 है, इसका नाम है एज, और हम इसका एड्रेस अज्यूम कर सकते हैं 100 पे है। दूसरे लाइन पे हमारे लिए एक SPTR है, क्योंकि SPTR एक पॉइंटर वेरिएबल है, मैं एक स्क्वायर बॉक्स में उसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। इसका नाम है SPTR, ठीक है, और समझ लीजिए SPTR एक एड्रेस 1000 पे है, तो 1000 एक एड्रेस हो गया। SPTR क्या कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ एज को कॉपी करा दिया। एड्रेस ऑफ एज क्या है, 100 है, लेकिन ये 100 कोई नंबर नहीं है, ये एक एड्रेस टाइप ऑफ डेटा है। इसके अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, अब हम एज प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। जब हम एज प्रिंट करेंगे तो आउटपुट विंडो पे 18 बड़ी सीधी तरीके से आएगा। अब हम SPTR प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, SPTR के अंदर 100 है, क्योंकि स्टार लगा है वैल्यू और कंटेंट एट एड्रेस 100। वैल्यू और कंटेंट एट एड्रेस 100 क्या है, 18 है, तो ये भी 18 प्रिंट होगा। अब यहां देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमने और एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है DPPTR, क्योंकि इसके दो स्टार लगे हुए हैं, इसके अंदर हम दो डब्बे रेडी कराएंगे, तो इसका मतलब ये पॉइंटर टू पॉइंटर होगा। सबसे पहला इसका एड्रेस हो सकता है 1004, ऐसे एग्जाम्पल दे रहे, एड्रेस हो सकता है 1004। अब DPTR के अंदर एड्रेस ऑफ SPTR है, एड्रेस ऑफ SPTR क्या है, 1000 है, तो इसके अंदर 1000 एड्रेस स्टोर किया गया है। अब हम एज DPTR के द्वारा प्रिंट करना चाहते हैं, पहले अगर हम DPTR प्रिंट करते तो 1000 प्रिंट होता, फर्स्ट स्टार की वजह से वैल्यू एट एड्रेस 1000, वैल्यू एट एड्रेस 1000 क्या है, और एक एड्रेस है 100। सेकेंड स्टार में क्या के द्वारा क्या होगा, वैल्यू एट एड्रेस 100, वैल्यू और कंटेंट एट एड्रेस 100 क्या है, 18 है, तो यहाँ पे भी 18 प्रिंट हो रहा है। अब चलिए देखेंगे ट्रिपल पॉइंटर। अब हम ट्रिपल पॉइंटर को क्या कर रहे हैं, 3 बॉक्सेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि ये क्लियरली आइडिया हो कि ये नॉर्मल पॉइंटर नहीं है, ये पॉइंटर टू और पॉइंटर होगा। तो अभी इस ट्रिपल पॉइंटर को हमने ट्रिपल बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया है, TPTR का मतलब ट्रिपल पॉइंटर। समझ लीजिए ये ट्रिपल पॉइंटर एड्रेस 1008 पे है, क्योंकि ट्रिपल पॉइंटर को हमने असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ DPTR, एड्रेस ऑफ DPTR 1004 है, तो यहाँ 1004 एड्रेस स्टोर होगा। अब अगर हम एज प्रिंट करना चाहते हैं TPTR के द्वारा, अगर हम TPTR प्रिंट करेंगे 1004 होगा, ठीक है, तो 1004 पहला स्टार क्या करेगा, वैल्यू और एड्रेस एट 1004, वैल्यू और एड्रेस एट 1004 क्या है, 1000 है। अब दूसरे स्टार वैल्यू और एड्रेस एट 1000, 100 है, अभी भी एड्रेस पे हम, लास्ट स्टार वैल्यू और एड्रेस एट 100, वैल्यू और कंटेंट एट 100, 18 है, तो अब यहां पे भी आपका 18 प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए अब हम कुछ अजीब तरीके से एज प्रिंट करना चाहते हैं, अगर मैं एड्रेस ऑफ TPTR रेफर कर दूं तो पहला क्या होगा, 1008 आएगा, ठीक है, क्योंकि एड्रेस ऑफ TPTR 1008 है। पहला स्टार जब मैं लगाऊंगा वैल्यू और कंटेंट एट 1008 क्या होगा, 1004। अब जब दूसरा स्टार लगाऊंगा वैल्यू और कंटेंट एट 1004, वो भी एक एड्रेस है, तो 1000 दिखाई देगा। तीसरे स्टार जब लगाऊंगा वैल्यू और कंटेंट एट 1000 एड्रेस 100 है। अब लास्ट स्टार में 100 पे लगाऊंगा वैल्यू और कंटेंट एट 100, 18 है, तब यहां पे भी 18 प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हमने आपको सिंगल पॉइंटर, डबल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर, चाहे 4 स्टार हो, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने क्लियरली डायग्राम ड्रॉ कर दिया और आप एड्रेस ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आप
ट्रेस कर पाते हो। केवल स्टार का मतलब है गिव मी द वैल्यू और कंटेंट एट दैट पर्टिकुलर एड्रेस, ये आपको याद रखना जरूरी है।